Ace. ओके अब एरेज क्या होते हैं? सपोज सबको वेरिएबल डिक्लेरेशन पता ही है क्या होती है। अब जब सपोज मैंने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सिंपली हम पीएचपी में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? डॉलर साइन और वेरिएबल का नाम, साथ में उसकी कोई वैल्यू, सिंपल ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है। अब क्या होगा जब मुझे एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर करनी है? वो सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन में पॉसिबल नहीं है। मैं एक ही वेरिएबल में, इस वैर में मैं मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकता, ठीक है? तो जब मेरे पास ये वाली कंडीशन होती है कि जब मुझे एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज देनी होती हैं, तब मैं एरेज का यूज करता हूँ। अब एरेज होते क्या हैं? सिंपली अगर मैं एरेज को समझना चाहूँ, जैसा कि मैंने बताया कि जब मुझे एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर करनी है, उसे मैं कैसे करूँगा? वैर जो ये वाला जो साइन है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये डिक्लेयर करते हैं कि इट इज एन एरे, दिस वेरिएबल इज एन एरे। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर कर सकता हूँ, एरे वैल्यू वन, वैल्यू टू एंड सो ऑन, ठीक है? अब मैंने इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर कर दी। अब इन वैल्यूज को, ये वैल्यू स्टोर कैसे होती हैं और इसका क्या यूज है? सबसे पहले तो हम एरेज का तब यूज करते हैं जब मुझे रिडंडेंसी कम करनी होती है किसी भी कोड की, ठीक है? यानी कि अगर मैं विदाउट एरेज का यूज किए, अगर मैं यू ही डिक्लेयर करने जाता, तो मैं वैर वन, उसके अंदर मैं फर्स्ट वैल्यू डिक्लेयर करता, वैर टू, उसके अंदर मैं सेकेंड वैल्यू डिक्लेयर करता, लेकिन क्योंकि मैंने एरे का यूज किया है तो रिडंडेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मैं एक ही वेरिएबल के अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर कर दी। अब जो मेरे पास एरेज हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। बेसिकली हम इसके आज दो ही टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है वन डायमेंशनल एरे एंड सेकंड इज टू डायमेंशनल एरे। वो करने से पहले जो हमारे पास सिंपल एरे होता है, ये वैल्यू स्टोर कैसे करता है? मतलब ऐसा तो क्या होता है कैरे में कि वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लेता है और एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं कर पाता। इसमें बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जो मेरा वैर होता है या मेरा कोई भी वेरिएबल होता है, वो सिंपली मल्टीपल कीज ले लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी वैल्यू वन स्टोर होगी, यहाँ पर मेरी वैल्यू टू स्टोर होगी, ठीक है? हमेशा जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जीरो से, फिर वन टू एंड सो ऑन चलता जाता है कंटिन्यूसली। ये तो बात हो गई मेरी वन डायमेंशनल एरे, जिसको कि मैंने डिनोट किया है जीरो एंड वन से। इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कीज भी अलॉट कर सकता हूँ। डॉलर वैर इक्वल्स टू एरे, यहाँ पर सपोज मेरे पास की वन है, की वन को मैंने वैल्यू वन डिनोट कर दी, ऐसे ही की टू को मैंने वैल्यू टू डिनोट कर दी, ठीक है? जब मुझे इसे इको कराना होगा तो मैं सिंपली वेरिएबल का नाम जो कि है मेरे पास वैर, और उसके बाद मैं यहाँ पर की वन को सिंगल ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात एरेस की, जो कि एरे की लिमिटेशन होती है, वो ये होती है कि जो मेरा एरे होता है उसके अंदर सारे के सारे डाटा टाइप सेम होते हैं। अगर मैंने स्ट्रिंग ली है तो सारे के सारे स्ट्रिंग होने चाहिए, अगर मैंने कैरेक्टर लिया है तो सारे के सारे कैरेक्टर होने चाहिए। अगर मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज स्ट्रिंग में लिए, ठीक है?